गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है होली है, आप सभी को हैप्पी होली। लेकिन जो है मेरा एक बैड न्यूज़ हो गया यार, बदन मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बुखार आ गया मुझे और यहाँ पे भी पेन हो रहा है। वो बुखार आने पर जो गुटी गुटी वगैरह निकलता है ना अंदर में, जिसे जो बहुत पेन करता है, और मेरा पूरा बदन जो है दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों, जिम पे जाके ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर दिया था इसलिए। तो आज मौसम भी उतना ठीक नहीं है, होली में पता नहीं क्या होगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट कोशिश करेंगे अपना तरफ से जितना हो सके होली को आज जो स्पेशल बनाने का। तो सुबह सुबह उठने के बाद जो है, अभी यहाँ पे हमारे जो जीजाजी हैं वो हमारे लिए चावल लेके आए थे, लाई चावल एकदम लोकल वाला। तो ये जो है बहुत टेस्टी होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन एंड माँ बनने से जो है उनको खिलाना चाहिए, ताकि वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करने में आसानी हो ना। तो इसलिए जो है मैंने मंगाया है ये स्पेशली जेरी के लिए, मंजिता के लिए भी। तो ये जो है फ्रेश हो चुकी है और यहाँ पे मंजिता पूरा टीवी देख रही है हॉर्लिक्स पीते हुए। तो डेली का रूटीन बन चुका है, सुबह शाम ये टीवी देखती है, लेकिन दोपहर को इसे देखने नहीं देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर देखेगी तो पूरा वो हो जाएगा ना, आदत ज़्यादा बिगड़ जाएगा इसका। गुड मॉर्निंग, आज को तो हैप्पी होली है, हम लोग हैप्पी होली मना नहीं सकेगा, आप लोग अच्छे से मना। मामू का भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मामू सो रहे, तो पता नहीं क्या होगा, रात को जिम से इतना लेट आ गया। ये देखो, और मामी लोग खेलते, ये क्या बोलता था, हाँ बेट छिल रहे, और यहाँ पे मम्मी पानी कुमरा छिल रहे ना। वाओ, फाइनली धूप दे दिया, ये नहीं धूप ऐसे नहीं देगा, वेदर रिपोर्ट मैंने चेक किया था, धूप बादल छाव ऐसे ही रहेगा, सभी का तबीयत ठीक ही है। मंजिता का ना हॉस्टल से लाया हुआ कंबल ब्लैंकेट इतना बड़ा बड़ा है, उसको धोने के लिए मैं उसको धोने के लिए रुक रही हूँ, धूप भी नहीं दे रही है, क्या करेगा, ये मुझे धूप ना परेशान करके रख दिया। मंजिता आज ब्लॉगिंग करेगी, अम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुंदर सुंदर फूल है, और बीजू भी आने वाला है, होली का जैसा ही है बीजू, तो बहुत बड़ा होता है, हम लोग का लोकल फेस्टिवल है, बहुत सारे चीज होते हैं। और यहाँ पे मामा झूला बना दिया था, जब से टीवी रहे तब से हम झूला भी नहीं झूल रहे, बस टीवी देखते रह रहे। और यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर फ्लावर्स लोग है, इतना सुंदर है बीजू निकलने वाला बोल के, और इधर में निकल ही गया, देखो इतना सुंदर फूल निकला है कि ना, इतना सुंदर लग रहा फूल को, तो इतना सारा निकल गया फूल पूरा, अभी ये लोग निकलने वाला फूल। अभी यहाँ पे मामा धूप सेक रहे हैं, बीमार हो गया बोल के थोड़ा सा वो लग रहे हैं। और बीजू फेस्टिवल भी आ रहा है, संडे भी दे, बैंक भी दे, होगा भी दे, वो सब हम लोग आपको देगा, बीजू में घूमने आए हम लोग का घर में, और पाचन टून भी देगा, सब कुछ देगा हम लोग का, हम लोग जो जो बनाते वो सब कुछ देगा। और हम लोग का बीजू 14 अप्रैल को होगा, आप लोग जरूर से आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग आने से। और यहाँ पे मामू बैठे बैठे धूप सेक रहे, और गाबुच्चा भी नीचे में बैठा हुआ है, क्या बीमार हुए मामू? हम जिम में जाके ज्यादा वेट उठा लिया ना, इसलिए लेग का एक्सरसाइज किया था मैंने, ऐसे ऐसे वाला, इसलिए ये सब भी दर्द दे रहा है, और ये सब भी दर्द दे रहा है, और यहाँ में एक वो गुटी निकल गया अंदर में ना, वो बहुत पेन होता है, तो बुखार जैसा फील हो रहा है, भूख भी नहीं लग रहा है, थोड़ा माथा चक्कर दे रहा है, इसलिए धूप सेक रहा हूँ मैं। अच्छा, इसलिए कल रात को भी बुखार आया था मुझे। हैप्पी होली में मैं बीमार पड़ गया, होली भी मनाने नहीं मिल रहा है, फिर भी देखते हैं ना, शाम को ठीक हो जाऊंगा। ठीक होने से हैप्पी होली मनाएगा ना, मनाएगा मनाएगा। अभी यहाँ पे मम्मी चावल सफा करने के लिए नीचे में भी आ गया, पूरा गंदा है चावल, तो अभी ऊपर में मामी खाना पका रहे, पता नहीं क्या, मामी खाना पका के हो गया कि नहीं? अभी बहुत बाकी है, पानी कुमरा पका रही हूँ, एंड यहाँ पे जंगली बेर, वाह टेस्टी है आज को तो, टेस्टी टेस्टी सब्जी, आज को तो होली है ना, हैप्पी होली आप सभी को, आप लोग आराम से होली खेली है, पर हम लोग तो होली खेल नहीं पाएंगे ना मंजिता, बाहर हाँ। तो जा नहीं सकेंगे अभी हाँ। आज मामा का भी बुखार है ना, ठीक हो जाने से खेलेगा। कल मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, ऐसे
माथा चक्कर होती है ना, थोड़ा सा बूमी बूमी इसलिए तो कुछ नहीं, बस आप लोग आराम से खेलिए तो सभी को हैप्पी होली। अभी यहाँ पे मामा एक्सरसाइज करेगा। हाँ एक्चुअली ना ये बुखार ज्यादा आ रहा है ना तो बॉडी अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिम भी बंद है, आज होली है तो इसलिए घर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ वरना बॉडी बहुत सुस्त पड़ जाएगा ना। पहले ऐसा तुम भी करना ठीक है सुबह डेली, पहले ऐसा उसके बाद कैसा उसके बाद ऐसा ये ठीक है। ये एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, हर कोई कर सकता है ये सब ठीक है। ये मैं फास्ट फास्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम से करना है और ऐसा उठक बैठक ठीक है, उठक बैठक करो और उसके बाद ऐसा 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 करो ठीक है ऐसा, और वो स्टेप खत्म होने के बाद पुशअप पुशअप करो। ऐसा अभी ठीक हो जाऊंगा थोड़ा एक्सरसाइज करने से ना। अभी मैं टीवी देखने जाऊंगी, हमको तो मोटू पतलू और छोटा भी, आप लोग को आप लोग क्या देखते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या देखते हैं। देखो अभी हम देखेगा तो छोटा भी देखेगा अभी हम। अभी ब्रेकफास्ट खाने का टाइम आ चुका है गाइस, मंजिता भी टीवी देख लिया, अभी सब लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं साथ में मिलके। तो यहाँ पे बेत की सब्जी है, पानी कुमरा की सब्जी है, तो इसी के साथ करते हैं। बदन तो ठीक एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है एक्सरसाइज करने के बाद भी ना, तो अंदर में जो है बुखार बुखार फील हो रहा है, पता नहीं मुझे बहुत दिन हो गया मुझे बुखार नहीं आया ना, लगभग महीने हो चुके हैं, तो कभी कभी बुखार भी आना चाहिए बोलते हैं ना लाइफ में, तभी ठीक होता है। तो अभी खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगा शाम को, लेकिन थोड़ा हैवी एक्सरसाइज करना पड़ेगा आज बुखार को भगाने के लिए। होली पे ही क्यों हुआ यार मेरा तबीयत खराब, अगर होली के बाद होता तो ठीक होता। अभी यहाँ पे मामा रेस्ट कर रहे पर बुखार है बोल के। अभी मैं सोया 2 घंटा, अभी थोड़ा सा बुखार ठीक हो गया। आज होली में पूरा पोपट हो गया हम लोग का, होली मनाने मिला ही नहीं, थोड़ा बुखार हो गया, तो फिर भी थोड़ा अभी उठूंगा थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा। जिम भी बंद है, नहीं तो जिम में जाके पूरा पसीना बहाता ना तो शायद ठीक होता। अभी मैं इतना दिन भर खाते रहता हूँ लेकिन आज खाने नहीं सका, सिर्फ एक बार खाया है, फिर भी अभी खाऊंगा मैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद खाऊंगा। अभी बिस्तर से उठ चुका हूँ दोस्तों, तो अभी पम्पम का उधर में जाऊंगा, ज्यादा इनएक्टिव रहूंगा तो और भी बीमार पड़ सकता हूँ ना, तो इसलिए खाना वगैरह भी नहीं खाया, बस सुबह में खाया था। अभी एक्चुअली दोपहर के जो है 1:30 बजे है, तो पम्पम के वहाँ में जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा और वो बुला रहा है होली खेलने के लिए कहीं पे जाने के लिए, तो जाके देख लेते हैं। और ये सब ड्रेस में अगर होली खेलूंगा तो खत्म, पूरा ये सब खोल के इनर से खेलूंगा मैं, मतलब हाफ पैंट वगैरह है अंदर में वही सबसे खेलूंगा। तो अभी जाता हूँ सीधा उसके रिजॉर्ट पे, तो अभी पहुंच चुका हूँ पम्पमवा के रिजॉर्ट में गाइस। तो अभी यहाँ पे जो है मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ सुबह में खाया था तो अभी तक खाया नहीं, अभी फिर से खाऊंगा सिर्फ खाने के लिए, आजकल तो मैं सिर्फ खाने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ ना। तो अभी चलते हैं, तुम खा लिया 2 दिन में हाँ, और ये भाई साहब भी कल से जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे। चलो तुम फिर से दोबारा खाते हैं। ओ ये क्या है भाई, ये क्या है, होली है, अच्छा बुरा ना मानो होली है गाइस, ओ माय गॉड। तो अभी खाना खा लेते हैं, अभी थोड़ा बहुत एनर्जी फील हो रहा है मुझे, जो बुखार वगैरह वो भाग रहा है ना, तो धीरे धीरे भगाना चाहिए वो सारी चीजें को। और यहाँ पे समीर भैया पहुंच चुके हैं, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, 100 साल जिए सभी फैमिली ने, खास कर आईडी, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हम लोगों ने तो बेटा कलर नहीं लगाया, अभी लगाएंगे, आया अभी कलर कैसा लग रहा है, अरे बाप रे, हम लोग एक और सॉरी यार, अरे फोन गिर गया भाई का, मोबाइल गिर गया, क्योंकि हम लोग इंडियन है ना, इंडियन जो हिंदुस्तान, हम लोग जो हिंदू धर्म जो भी मना सकता है, हाँ मनाना चाहिए। हैप्पी होली, अरे बाप रे, हो गया, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हाँ, रुपा भाई को खत्म कर दिया।
थोड़ा मत भाग गया उधर लगा के सच में चैलेंज डर गया भाई साहब क्या और ना गाइस ये पकड़ी आज सब हम लोग का भाई भैया जितना भी यूट्यूबर छोटा तो बड़ा हो मतलब जो अपना भाई भैया का रिश्ता होता है कोई नहीं लगाते हैं हैप्पी होली थैंक यू और इधर में पम्मा भाई मेरा जींस पे लग गया मेरा जींस पे खोलना पड़ेगा तो गाइस मेरा जींस पे पूरा लग रहा है अगर लग गया तो मुश्किल होगा अभी तो मुझे खोलना पड़ेगा कपड़ा क्योंकि अभी होली जो है शुरू हो चुका है ना तो समीर भैया आते ही पूरा होली भी खेल लिया गाइस मैंने कपड़ा सपड़ा खोल दिया मेरे जैकेट पे पूरा रंग लग चुका है तो अभी खाना खा रहा हूँ मैं तो समीर भैया लोग वो लोग खा चुके हैं बोला है तो अभी मैं खाऊंगा उसके बाद होली खेलने के लिए जाएंगे हम लोग रास्ते में पूरा खेलेंगे मजा आ रहा है इतने सालों के बाद पहली बार होली खेला हूँ खाना वाना भी खा लिया दोस्तों अभी जाएंगे हम लोग तेजू की तरफ में तो बाय बाय समीर भैया बाय बाय हाँ ठीक है बाय बाय हैप्पी होली बहुत अच्छा लगा भैया लोग आने के बाद पूरा रंग बिरंगा हो चुका है हम लोग का होली जो है तो अभी हम लोग तेजू जा रहे हैं तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है ना चलो अभी मैं और पम्पम जा रहे हैं गाइस होली खेलने के लिए रास्ता में जो भी मिलेगा उसी के साथ हम लोग खेलेंगे देखते हैं ना yes. कोई भी मिलेगा उसी के साथ खेलेंगे हम लोग और दोनों चश्मा लगाया काला चश्मा तो गाइस आज जो है ठीक से होली मनाया हम लोगों ने दोनों ने आया तेजू पे पूरा इधर उधर घूमा लेकिन उतना अच्छे से सेलिब्रेट तो नहीं हो पाया क्योंकि दोस्त लोग मिले नहीं हमें सेलिब्रेट कर लिया पूरा जो है कलर वलर सब जो है पूरा जाने वाला देखो हाथ में भी पूरा खत्म और अभी बारिश हो रही है घर जा रहे हैं हम लोग गाइस ये देखो पूरा जोरों शोरों से बारिश हो रही है तो घर पे भी जेरी का तबीयत भी उतना ठीक नहीं है इसलिए मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा और मैंने जो है अपना बाइक को पम्पम का रिजॉर्ट पे छोड़ के आया था तो वहाँ पे जाएंगे सबसे पहले उसके बाद बाइक लेके घर जाना पड़ेगा अगर बारिश होगा तो पता नहीं कैसे जाऊँगा यार बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए तो कैसा लगा आज का होली भाई मजा लगा मजा आया होली खेल के ना बहुत सबसे ज्यादा मुझे मजा आया इतना दिनों के बाद होली खेलने मिला ना वो लोग वीडियो उठाने दिए वो अच्छा नहीं लगा लेकिन खतरा फ्रैंक किया मैंने अच्छा मजा आया और वो क्या बोलते हैं यो पेट्रोल पंप वाला भैया वो भी लगाया ना उसमें तो लगा देता था यहां पे डायरेक्ट गाड़ी में यहां पे भी कलर लग चुका है गाइस ये देखिए पूरा कलर लग चुका है यहां पे भी तो गाइस अभी रात के जो है 8:40 बज चुके हैं हम पहुंच चुके पम्पम का रिजॉर्ट में और आधे रास्ते में इतना जोर जोर से बारिश हो रहा था लेकिन यहां पे आके पता चला बारिश बिल्कुल भी नहीं है तो अभी हम लोग सोच रहे हैं नहाने के लिए इतना रात चलो क्योंकि कलर वलर भी तो गिराना है ना ये देखो देखो ना छपरी बन गया मेरा छपरी मेरा छपरी बन गया ये मेरा भी है क्या देखो तो मेरा भी है क्या छपरी टू गाइस तो अभी हम लोग नहाएंगे इतना रात को गाइस देखो रिजॉर्ट में रात को भी नहा सकता है क्या सुंदर स्टाइल क्या बात कर रहे हैं गंदा वाला तावेल हम नहीं पकड़ेगा तो अभी हम नहाते हैं गाइस चलो यहाँ पे देखिए गाइस नदी तो यहाँ से अभी जंप लगाएंगे हम लोग पूरी बाबा वहाँ पे पूरा देखो चंदा मामा पेंटो खोलो भाई हाँ पेंटवा खोले के परी जूता भी खोले के परी खोलो हाँ चलो खोलते हैं हाँ हाँ भगवान का लाइट भी नहा रहा है लड़की लोग चलो वन टू एंड वन टू वन वन है साबुन में कुछ कुछ तो नहीं लगा ना गाइस देखो रात को यहाँ पे चंदा मामा चमक रहे रात को 9 बजे हम लोग नदी पे नहा रहे हैं तो इसलिए पम्पम का रिजॉर्ट पे आइए रात को नहाइए आप लोग भी बॉडी दिखाइए ऐसे बॉडी दिखाते हुए नहाइए तो अभी
तो बहुत ही मजा आता है ना ऐसे रात को, स्पेशली होली खेलने के बाद रात को जब नहाओगे भाई साहब क्या ही सुपर कूल लगता है ना। तो अभी नहाते हैं, उसका फ्रेश होकर हम घर जाएंगे, क्योंकि जेरी का भी बार बार कॉल आ रहा है, बेचारी जो है वेट कर रही है। वो लोग खाना वगैरह तो खा लिया होगा, बट फिर भी मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना, 9 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना होता है ना। इतना रात को नदी में नहा के मजा आ गया गाइस, अभी गर्म दिन भी आ रहा है ना, तो ऐसे टाइम पे जो है रात को नहाने से एकदम फ्रेश लगता है। तो अभी ये देखो भाई पंपोंवा का रिजॉर्ट में गाड़ी में सामान वगैरह है, अभी स्वेटर वेटर लगाना पड़ेगा। अभी जो है मैं घर जाने वाला था गाइस, और यहाँ पे जो है पंपोम के रिजॉर्ट पे जो हमारा जो मास्टर शेफ है उन्होंने जो है खाना वगैरह भी तैयार कर दिया, तो यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे। मेरा दोस्त ज्यादा बोले फिर भी जबरदस्ती खाएगा बोलते हैं, कब से मुझे भगा रहा है बोलते हैं। तो अभी खाते हैं गाइस यहाँ पे डिनर, वाओ यहाँ पे पापड़ चटनी और यहाँ पे क्या क्या है गाइस, ओ हो पोर्क वा फार्क बॉयल गाइस, फार्क बॉयल, हाँ तो यहाँ पे पोर्क बॉयल है गाइस, और यहाँ पे क्या है ओ बापरे मिक्स वेजिटेबल गाइस। तो अभी खाते हैं, वाओ यहाँ पे चावल वगैरह है, तो अभी खाते हैं गाइस यहाँ पे डिनर हुआ, थाली भी पूरा फुल हो चुका है गाइस, यहाँ पे खुशबूदार पत्ते मिक्स सब्जी और यहाँ पे पोर्क बॉयल, वाओ और बापरे ये क्या है पापड़ हुआ। तो इसी के साथ करते हैं आज का डिनर गाइस, यहाँ पे ये भी कर रहा है हम लोग का मास्टर शेफ और मैं यहाँ पे, तो अभी खाते हैं गाइस। क्या बोला है मास्टर शेफ मास्टर अरे भाई क्या बोलते हो मास्टर शेफ। तो जल्दी घर जाके जो है सोना भी है, वीडियो एडिट करके अपलोड भी करना है, और उसके बाद सुबह सुबह उठ के जो है जिम में भी जाना है। 2 दिन हो गया जिम मिस ना, संडे को छुट्टी था और आज भी होली था, तो इसलिए मिस हो गया। एकदम स्पेशल वाला पॉर्क गाइस बॉडी बिल्डर होने के लिए। अभी मैं घर पहुंच चुका गाइस, और ये देखो अरे गावजी को भी किसी ने होली, अरे होली का रंग लगा दिया, अरे क्या हो गया भाई झगड़ा कर रहा है क्यों भाई, पूरा होली का रंग लगा दिया इसके भी। चलो आ जाओ, वाह बहुत रात हो चुका यार, आज बहुत लेट हो चुका हूँ। अरे बाबा गावुजी और लेतू ने पूरा गंदा कर दिया, देखो यहाँ पे पूरा पाव का निशान। ओए हैप्पी होली गावुजी, हैप्पी होली लुक्की को पूरा अंदर आने नहीं दे रहा गावुजी, देखिए गाइस इतना शैतान है ये, क्या क्या करते रहता है, देखो ना अंदर आने नहीं दे रहा होली खेला इसने भी, पूरा कलर लग गया। तो अभी घर भी पहुंच चुका हूँ गाइस, काफी लेट हो चुका हूँ ना, तो अभी मुझे जो है वीडियो को एडिट करना है, उसका सो भी जाना है। और आप लोग को जाते जाते एक गुड न्यूज बताता हूँ गाइस, मैंने जो है आज नोमैडिक इंडियन से बात किया, आप लोग को मालूम होगा नोमैडिक इंडियन ही इज अ वेरी बिग यूट्यूबर जो कि मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, जिनका नाम है दीपांशु। तो वो बहुत बार अरुणाचल प्रदेश में भी आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं तो उनको मालूम होगा, वो भी जो है ट्रैवलिंग वीडियोस वगैरह बनाते हैं अपना, उसका भी एक हिमालयन बाइक है उसमें घूमता है, एंड उसने जिमनी भी लिया है। तो वो जो है मिजोरम पे भी गए थे, जहाँ पे मैं गया था ना वही जगह पे, तो उनसे मैंने बातें किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा था वो मेरा कॉल का जवाब देंगे, बट उसने जो है जवाब दिया, और मुझे लगा वो अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन वो लेट वीडियो डाला है, वो अभी मिजोरम पे चला गया, जो जेरी के गाँव के पास जो कृपा भाई का गाँव है ना, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी वो, तो वहाँ पे जाएगा बर्मा बॉर्डर के पास, वो सब एक्सप्लोर करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो जो है अरुणाचल प्रदेश में आएगा तो हमारे घर पे आएगा बोला है। तो गुड न्यूज़ है गाइस, आप लोग को जो है हम जो है उसके साथ जो है ब्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें, आप लोग को नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है हमारा गांव में जब उसको लेके आएंगे तो पूरा गांव भी दिखाएंगे ना, यहाँ का कल्चर वगैरह। तो जाते जाते गुड न्यूज़, ये जो है होली का गुड न्यूज़ गाइस आप लोगों को। और आज आप लोगों ने देखा सुबह में मतलब मेरा बुखार वगैरह था, और जो है अभी बुखार वगैरह सब भाग गया एकदम, रात को नहा धो भी लिया ना, तो ऐसा है ये जो है सब माइंड का ऊपर में भी होता है, कभी कभार जो है थोड़ा प्रेशर देना चाहिए माइंड को ना, बुखार वगैरह वो सब जो है भगाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आशा करता आप लोगों ने भी जो है होली बहुत बढ़िया से मनाया होगा, ठीक है गावजी बाय बाय बोल दो, बाय बाय हैप्पी होली, बाय बाय हैप्पी होली वाला कलर लगा के, बाय बाय किसने लगा दिया कलर।